बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्स पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई पावर 40, वाई पावर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 10। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या दिया है कि एक्स वाई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सबसे पहले इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है वाई पावर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 10। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ पावर में 1 और 10 लिख देंगे, इधर भी पावर में 1 और 10 लिख देंगे, इधर भी पावर में 1 और 10 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल को जानते हैं, रूल क्या है, ए पावर एम होल पावर एन वो बराबर होता है ए पावर एम एन के। तो इधर और इधर इस रूल को अप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा वाई पावर वाई प्लस एक्स डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू इधर एक्स पावर 10 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई पावर वाई प्लस एक्स डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या करेंगे, इनको लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू वाई पावर वाई प्लस एक्स डिनोमिनेटर में 10 और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है एक्स पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई पावर 40। फिर क्या करेंगे, एक्स नहीं, ये इसके बराबर है ना इधर, तो यहाँ एक्स की जगह लिख देंगे वाई पावर वाई प्लस एक्स डिनोमिनेटर में 10 होल पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई पावर 40। फिर क्या करेंगे, यहाँ इस रूल को अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल नहीं जो हमने पहले यूज़ किया था, तो इस रूल के मुताबिक यहाँ जाएगा वाई पावर वाई प्लस एक्स एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू वाई पावर 40। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको इस तरह लिख देंगे एक्स प्लस वाई, इनको लिख देंगे, ये दूसरा भी एक्स प्लस वाई है ना, डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू वाई पावर 40। फिर क्या करेंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, इन दोनों का बेस सेम है, तो इनके पावर को ऐड करो तो यहाँ जाएगा वाई पावर एक्स प्लस वाई होल पावर 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू वाई पावर 40। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल को जानते हैं, वो रूल क्या है, वो है ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन वो बराबर होता है एम इज इक्वल टू एन के। तो इन दोनों जगह इस रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू 40। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो इसके साथ और यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 400 नहीं है, ये किसके बराबर है 20 स्क्वायर के, तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इनसे आ जाएगा 20, यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरा
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे, वो क्या है, वो है एक्स इज इक्वल टू वाई पावर वाई प्लस एक्स डिनोमिनेटर में 10। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू इनको लिख देंगे एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में 10, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 20 की। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई पावर एक्स प्लस वाई की जगह 20, डिनोमिनेटर में 10, तो 10 वन ज़ार 10, 10 टू ज़ार 20। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आ गया। फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा ले लेंगे, एक्स प्लस वाई को इज इक्वल टू 20। फिर क्या करेंगे, ये एक्स नहीं है, इनकी जगह वाई स्क्वेयर को लिख देंगे, तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 20। फिर ये 20 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ वाई स्क्वेयर इनको लिख देंगे प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनसे y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा y प्लस 5, इनसे माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 5 वाई प्लस 5 इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले इनको इस साइड पर लाएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस 5, और इनको इस साइड पर लाएंगे, तो y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, गिवन कंडीशन में हमें ये दिया गया है कि गिवन कंडीशन में कि y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, y इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन इधर देख, ये माइनस 5 वैल्यू है ना, तो इसी वजह से हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे कंडीशन के मुताबिक। वाई की ओनली वैल्यू आ गई 4। अब एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, एक्स प्लस वाई गिवन इक्वेशन को ले लेंगे 20, तो यहाँ वाई की जगह किस को पुट करेंगे, 4 को इज इक्वल टू 20। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4, तो इनसे आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू आ गई 16, y की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे, ये दूसरे इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे। ये दूसरी इक्वेशन है, इसको देख, x प्लस वाई को गिवन कंडीशन के मुताबिक x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस 20 है ना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, हम इनको रिजेक्ट करेंगे। ओनली सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4। अब इस वैल्यू को चेक करेंगे, ये करेक्ट या रॉन्ग, तो उनके लिए इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, x पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई पावर 40। तो यहाँ x की जगह किस को पुट करेंगे, 16 को, y की जगह 4 को, तो यहाँ 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 पावर 40। तो यहाँ 16 की जगह लिख देंगे 4 पावर 2 होल पावर, इनसे 20 इज इक्वल टू 4 पावर 40। तो यहाँ जाएगा इनसे 4 पावर 40 इज इक्वल टू 4 पावर 40। ये इक्वेशन करेक्ट है, इसको हमने चेक कर दिया। अब दूसरे को चेक करते हैं, दूसरा क्या है, वो है वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 10। तो यहाँ वाई की जगह फुट करेंगे किसको,
फोर को यहाँ फोर वाई की जगह एक्स की जगह सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटीन पावर टेन, तो यहाँ जाएगा फोर इन से ट्वेंटी, यहाँ सिक्सटीन की जगह लिख देंगे फोर स्क्वेयर होल पावर टेन, तो यहाँ जाएगा फोर पावर ट्वेंटी इन से फोर पावर ट्वेंटी, यानी इस वैल्यू को हमने दूसरे इक्वेशन पर भी चेक किया, ये भी करेक्ट है। एक्स वाई की वैल्यू सिक्सटीन फोर करेक्ट है, इसको हमने चेक कर दिया।